छह फरवरी को देश में चक्का जाम किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस चक्का जाम के पीछे? क्या पुनः वापस दंगे होंगे? क्या दिल्ली की ही तरह पूरे देश में आतंक मचाया जाएगा? सावधान देशवासियों, एक बार फिर 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की तैयारी हो गई। वैसे तो पूरे देश में इन्हें समर्थन मिलने वाला नहीं है, परंतु कुछ विपक्षी राज्यों में इन्हें समर्थन जरूर मिलेगा और ये उपद्रवी हो सकता है पुनः वही करें जो इन्होंने 26 जनवरी को किया। देश को शर्मसार किया, दिल्ली में दंगे किए, पुलिस वालों पे हमले किए, कई सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई, उन्हें तोड़फोड़ की और आप उपद्रव मचाया, दंगा किया। क्या पुनः ही कुछ ऐसा करने की इनकी मंशा है? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26 जनवरी के दिन खालिस्तानी झंडा लाल किले पर फहराने के लिए खालिस्तान ने एक इनाम की घोषणा की थी और शायद वो इनाम मिल भी गया हो। और इसके बाद फिर से 1 फरवरी के दिन संसद का घेराव कर वहां पर भी खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी। तारीख भले ही चली गई है, लेकिन शायद अभी भी वो इनाम राशि मिल सकती है। इसलिए पुनः 6 फरवरी को एक स्थित रूप से देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया जा चुका है। और इन दिनों में आप सभी ने देखा कि पंचायतों से फतवे निकाले जा रहे हैं। यहाँ इन्हें फतवे कहना ही सही होगा, क्योंकि पंचायतों से फतवे निकाले जा रहे हैं कि जो इस किसान आंदोलन, इस कथित किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस कथित किसान आंदोलन से देश पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, करोड़ों रुपए का पर प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, कई लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, विदेशों में हमारे देश के लिए, हमारे देश में जो निवेश करना चाहते हैं उनको भी सोचना पड़ रहा है, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। ये इस तरीके के आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी और इन्हें शह देने वाले राजनेता, इनकी वजह से हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अभी ये इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहे हैं और फिर कुछ दिन बाद जब अर्थव्यवस्था में कमजोरी दिखाई देगी तो फिर चिल्लाएंगे कि अरे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। यानी ये जानबूझकर देश को पीछे ढकेलना चाहते हैं, देश आगे आए ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पहले उसी बिल को संसद में पास करवाते हैं और फिर दंगाइयों को, आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को, पाकिस्तान समर्थकों को इकट्ठा कर किसान भेष में भेज कर इस देश में अशांति फैलाते हैं, इस देश में दंगे करवाते हैं, सड़कों को जाम करवाते हैं ताकि लोगों को परेशानी हो, देश आगे बढ़ने से रुक जाए और विदेशों में देश की छवि खराब हो, जिससे बाहर के लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे देश में वो 100 बार सोचे। इसलिए अब जनता का ये कार्य बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि सरकार और प्रशासन के साथ ऐसी मजबूती से खड़ी हो कि इन दंगाइयों का हौसला टूट जाए। अगर 26 जनवरी के बाद जिस प्रकार जनता ने इनका विरोध किया, उस विरोध को और तेजी से किया होता तो ये आज वापस 6 फरवरी के दिन इस तरीके की हरकत करने की सोचते भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ कुछ जगहों पर जनता ने इनका विरोध किया और सोशल मीडिया पर इनका विरोध हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर उतना विरोध नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब भी हमारे पास समय है, हमें सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इन देशद्रोहियों से जो देश के लिए नुकसानदायक बने हुए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक बने हुए हैं, इनसे सख्ती से निपटे, जनता उनके साथ है। हमें सरकार को भरोसा दिलाना होगा कि हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। अगर ये पुलिस वालों पर आक्रमण कर सकते हैं, ये पुलिस वालों को घायल कर सकते हैं, तो क्यों पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए इनके ऊपर जोर आजमाइश करे। अभी इस आंदोलन को जोर जबरदस्ती खींचा जा रहा है, शुरू से ही ये आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में नहीं नजर आ रहा था, इसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और कई सारे देश विरोधी अंदर घुसे हुए थे। देश विरोधियों को छुड़ाने की मांग हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बातें हो रही थी, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम का विरोध हो रहा था, भारत माता की जय का विरोध हो रहा था, हिंदुओं का विरोध हो रहा था, उन्हें गालियां दी जा रही थी। ये आंदोलन कभी किसान आंदोलन था ही नहीं और ना ही अभी भी ये किसान आंदोलन है। ये बिचौलियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकियों का आंदोलन है जो इस देश को
लूटना चाहते हैं, इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता को, अगर वो अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होते देखना चाहती है, तो जनता को आगे बढ़ना होगा। केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे इन्हें रोक पाना संभव नहीं है। सरकार और प्रशासन संविधान और कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और वो वही कर सकते हैं जिसका उनके पास अधिकार है। लेकिन यदि जनता का समर्थन मिले, जनता अगर सरकार को, प्रशासन को समर्थन दे, तो इन आंदोलनकारियों को, इन दंगाइयों को रोकना आसान हो जाएगा। इसलिए देश की पूरी जनता से हमारी ये विनंती है कि सत्य के साथ खड़े हो जाएं और जो देश के विरुद्ध है, जो देश का अपमान कर रहा है, देश को शर्मसार कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, उनके विरुद्ध जोर शोर से संगठित होकर खड़े हो जाएं। देश की जनता ही अब उन्हें इस देश को शर्मसार होने से रोक सकती है। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।